सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, उस पर चलता है, वह वचन उस मनुष्य को नया जीवन देती है, ऐसा जीवन जो अनंत काल के लिए बना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी उस अनंत काल के जीवन की आशीष को पाना चाहते हो तो जरूर है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि वचन के द्वारा ही चंगाई, वचन के द्वारा ही छुटकारा और वचन के द्वारा ही उद्धार होने वाला है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, उस पे चलता है, वह जीवन पाता है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ना, वह सामर्थी है। जैसा कि वचन के विषय में बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर का वचन था और वह वचन परमेश्वर के साथ था, और बाइबल कहती है कि वह वचन ही परमेश्वर था। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं, परमेश्वर को अपनाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप उस परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हो, परमेश्वर को अपनाना चाहते हो, अपने दिल में बसाना चाहते हो कि परमेश्वर आपको संग रहे, तो जरूर है परमेश्वर के वचन को सुनिए, ग्रहण करिए। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 68 वचन 9 से देखिए, अरे अध्याय 68 वचन 19 से। भजन संहिता अध्याय 68 वचन 19 से आइए देखते हैं। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है, परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वह कह रहा है कि धन्य है वह प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कहता वह प्रभु धन्य है जो हर रोज क्या करता है, हमारे बोझ को वह उठाता है, हमारा बोझ उठाता है। वह प्रतिदिन हमारी तरफ दृष्टि डालता है, हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं है उस पर ध्यान देता है, वो पूरा करता है। वो प्रतिदिन हमारी चिंता करता है। हमें भोजन की घटी होती है तो भोजन देता है, हमें कपड़े की घटी होती है तो हमें कपड़े देता है, हमें जिस बात की घटी होती है वो देता है। वह रात दिन हमारा ध्यान करता है, रात दिन हमारा ख्याल रखता है। इसीलिए वह कहता है कि धन्य है वह प्रभु, धन्य है वह परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, यानी हमारे जीवन के सारे जरूरत के प्रति ध्यान देता है और हमारे नादानियों को, हमारे पापों को उठा लेता है। कहता है वही तो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। कहता है इसलिए हे मेरे प्रियों, वही है जो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बोझ उठाता है, वो हमारे पापों को ले लेता है और हमारे जीवन में जितनी जरूरतें होती वो पूरा करता है, वो देता है। जो हमारे काम की चीजें हमें देता है और जो हमारे काम की चीजें नहीं है ना, हमसे लेता है। जो हमें नुकसान की चीजें हमसे ले लेता है। इसीलिए वो परमेश्वर का दास कह रहा है कि वही है जो हमारा उद्धार करने वाला है, वही है जो हमारे प्राणों का उद्धार करेगा, हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। कहता है वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। कहता है वही परमेश्वर है जो हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला, हमें स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर ठहरा है।
क्यों? क्योंकि वो हमारे बोझ को उठाता है। आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, उसने क्या किया? हमारे बोझ को उठाया, हमसे प्यार किया, हमारी जरूरत को पूरा किया, हमारे लिए मार्ग खोला ताकि हम उद्धार को पाए। इसलिए कहता है कि वही है जो हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। वह यहोवा प्रभु क्या करता है? मृत्यु से हमें बचाता है, हमें मृत्यु से बचाता है, हमें नरक से बचाता है, हमें अनंत मृत्यु से बचाता है और बचाकर हमें अनंत काल के जीवन में लेकर जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप चाहते हो कि वो परमेश्वर आपके प्राणों को बचाए, आपका बोझ उठाए और मृत्यु से बचाकर अनंत काल के जीवन में ले जाए, जरूर है उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, उस परमेश्वर की सुनिए, मानिए, ग्रहण करिए, जैसा कहता है वैसा करिए, जरूर है कि वह आपके प्राणों का उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंता हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिलने पाए, शैतानी आत्मा नष्ट। महान पिता प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा कर इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि आज इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर इनके सारे गुनाहों को माफ कर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जो तूने इन्हें रात भर पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, अच्छी नींद दिया, नई सुबह नया दिन दिया, प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं ठीक उसी प्रकार पूरे दिन प्रभु इन्हें सुरक्षित रख, इन्हें भला चंगा रख, इनके द्वारा पाप गुनाह न होने पाए। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे तेरे आशीष से भरे रहे, उनके जीवन में जितने रुके अधूरे काम हो वो पूरे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा का उपद्रव हो तो उनके जीवन से मिटने पाए पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके जिनको अपने जीवन में निराशा, उनकी निराशा दूर हो जाए, उनके जीवन में एक नई आशा उत्पन्न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो बीमारी से मुक्त होने पाए, जिनके मस्तक में बीमारी हो निकल जाए, आंखों में बीमारी हो तो निकल जाए, कान में हो तो निकल जाए, मुंह में हो, नाक में हो, गले में हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूँ, जिनके सीने में कोई तकलीफ है अभी इसी क्षण में डांटता हूं निकल जाए, जिनके पेट में बीमारी हो पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर में दर्द हो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो अब भी गायब हो जाए, जिनके घुटने में दर्द हो अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए, जिनके जोड़ों में तकलीफ हो दर्द हो नष्ट होने पाए, गठिया बात की बीमारी साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा HIV TB कैंसर अभी नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता आज से ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी है आज से प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो आज चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, ट्यूमर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं जिसके पास संतान न हो संतान न हो, प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ प्रभु जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए दुष्ट आत्मा निकल जाए, महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे,
ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करें, जीवन सदैव तेरे मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में है तो कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं तो घर मिले, चलने का साधन नहीं तो चलने का साधन हो। प्रभु जो सेवा करना चाहता है, ओ प्रभु जो पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ को चाहता है, ओ प्रभु स्वर्ग को खोल, पवित्र आत्मा से भर दे, हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को छू ले। आमीन। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक को आत्मिक अगुवाई में भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाई हुई चलने वाले। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।